किसान संगठन को संजय नंदू भैया जी ने इस ताकत के साथ खड़ा किया, उसको और सशक्त बनाने में हम सब लोग अपनी भूमिका निभाएं। मैं आज जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें एक बार उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की जोरदार तथा ध्वनि के बीच मैं हम सभी के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी को ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। कृपया आए और आज के स्मृति संस्मरण अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार करता ध्वनि निमाड़ के नैया, निमाड़ के नैया, निमाड़ के नैया। इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज जी, बहन अर्चना जी, बहन सुमित्रा काजरेकर जी, भाई नारायण सिंह पटेल जी, आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, चावड़ा जी भी यहां मौजूद है, हमारे संगठन मंत्री जी, बहन श्रीमती गायत्री राजाराम पाटीदार जी, रामदास सिवारे जी, बेटी सुश्री मंजू दादू जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, अनिल भोसले जी, अतुल पटेल जी, मनोज चारवाला जी, विजय गुप्ता जी, राजेश जी, जसवंत सिंह हाड़ा जी और हमारे प्रिय बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, पूरे संसदीय क्षेत्र के सभी प्रमुख नेतागण यहां विराजमान हैं। इसलिए सभी आदरणीय साथी नेता पदाधिकारीगण, बहनों और भाइयों, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। हम तो सुन रहे लेकिन तुम ही हमें छोड़ के चले गए। आज उनका जन्मदिन है, अक्सर उनके जन्मदिन की बधाई जब वो सामने होते थे मैं गले मिलकर देता। लेकिन आज गले नहीं मिल सकता। उनका भौतिक शरीर हमारे साथ नहीं है। नंदू भैया बिना बधाई दिए रहेंगे नहीं। हम जानते हैं आप कहीं ना कहीं तो हो, स्थूल शरीर से नहीं हो, सूक्ष्म सगुण से हमने जरूर देख रहे हो। हमारी भावनाएं भी समझ रहे हो, और इसलिए आज आपको हम आपकी कर्मभूमि, आपकी जन्मभूमि शाहपुर में बैठ के हृदय से बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे शुभकामना देनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। नंदू भैया हमारे बीच सशरीर नहीं है। आज जो कुछ प्रभु दिखाई देता है बुरहानपुर जिले का, खंडवा जिले का, या विकास की योजनाओं का, या जनजीवन को बदलने का, या सिंचाई की योजनाओं के जाल का, या सड़कों बैराज के निर्माण का, या मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, या तो संरचना, या खेती, हर एक चीज के पीछे तुम ही हो नंदू भैया, तुम ही हो। एक अगर तो नंदू भैया,
वो विकास के लिए पीछे पड़ जाते हैं। मेरे मुख्यमंत्री बनते ही आकर पहली बार जब मैं बना, और मुझे अच्छी तरह याद है पुरासा लिफ्ट एरिगेशन अफसरों से पूछा मेरे साथ ये थोड़ी हो सकती है, और फिर आप अफसरों ने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भी जब कांग्रेस के जमाने में थे उन्होंने भी कह दिया था बेकार की बात है बकवास ये हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल। लेकिन नंदू भैया ने कहा कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसको पॉसिबल करो मुख्यमंत्री जी, और गुरासा लिफ्ट इरिगेशन योजना साकार हो गए आज किसानों के सूखे खेतों में। कितनी योजना है नर्मदा जी के जल पे आधारित, चाहे छह गांव माखन का सवाल हो, खंडवा लिफ्ट इरिगेशन योजना हो, पंडाना और झिड़निया में पानी लाना, झिड़निया वालों आज मैं आने वाला था लेकिन पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में जाना है। नंदू भैया ने मुझे कहा था क्यों फिर आके मैं और पानी की व्यवस्था कर दी है, उन्हीं के कहने पर हमने झिड़निया की सिंचाई की योजना मंजूर की थी और उसको पूरी करेंगे, आप चिंता मत करो। उनके सपने थे संकल्प थे, इंदौर इच्छा पर रोड उनकी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है, या जैनाबाद में पुल से लेकर बाकी योजनाएं कितने काम में आपके गिना हुआ, हर एक काम के पीछे नंदू भैया होंगे। ऐसा जनसेवक जनता को सौभाग्य से मिलता है, नंदू भैया जैसा नेता दुर्लभ है। और अभी जब पिछले चौथी बार मुख्यमंत्री बना एक नहीं मिला ये पट्टे, सेवा बाबा या मंदिर रेगू कोरकू अमर सही उनकी प्रतिमा के निर्माण से लेके धूलकोट मोदी जैसी तहसीलें बनाने के काम एक ने पूरी सूची है, और आज इस मंच को भी और नीचे भी मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं नंदू भैया ने जो मुझसे कहलवाए थे एक एक काम पूरा करके दिखाऊंगा, एक एक काम पूरा करके दिखाऊंगा। और इन सब चीजों का काम चल रहा है, बड़ी कुशलता से पहले वो भूमिका बना देते तब वो घोटना करवाते थे, जब उनका प्यार भी रहता था उनका दबाव भी रहता था, दोनों चीजें बड़ी कुशलता से कर देते। खकनार और धूलकोट में चाहे कॉलेजों के भवन का निर्माण हो, मंजरों दरियापुर में ताप्ती नदी पर बने पुल का नाम राजेंद्र दादू जी के नाम करना हो, वो आग्रह करते थे करो, चाहे बसाड़ को बुरहानपुर तहसील में सम्मिलित करने का मामला हो उस पर कार्रवाई चल रही है, अंबा तालाब जरा पाजर या अंबा होटल तो पिपराना रोड ये एक एक काम मैं बता नहीं रहा, लेकिन जितने काम उन्हें कमिट करवाए थे वो पूरे करके आपको दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ आप मेरे संकट को भाषण से नहीं मेरे दिल से समझ रहे होंगे, मेरी आंखों से समझ रहे होंगे। नंदू भैया हम सबके दिलों में बसते हैं, उनका सपना था संकल्प था बुरहानपुर नेपानगर खंडवा खरगोन बागली
पूरे संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाया जाए। और नंदू भैया आज मैं फिर कह रहा हूं आपके जन्मदिन पे इस संसदीय क्षेत्र में सिंचाई हो, सड़कों का जाल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यहां के मेहनती किसान केले की फसल खराब हो गई 2-1 साल पहले 18 में साइड अर्चना जी भी थी, हम लोग आए थे, नंदू भैया साथ थे। इसी शाहपुर की धरती पर थोड़ी दूर मैंने वो जगह भी पहचान ली जहां मैंने भाषण दिया था, बस स्टैंड के पास। लोगों को लगा कि मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे, लेकिन तब हमने तय किया 1 लाख रुपया हेक्टर की दर से राहत की राशि किसानों को दी जाएगी। तो गड़बड़ नहीं कर सकता, देखिए किया जा सकता। मुझे चाहे खेती खेती को आगे बढ़ाने का सवाल हो, केला एक्सपोर्ट करने का उनका सपना था, आजकल तो हल्दी बहुत अच्छी हो रही है, यहां के किसान बहुत मेहनती है, मैं प्रणाम करता हूं ऐसे किसानों को, बहुत परिश्रमी किसान, नए नए प्रयोग करते रहते हैं। अपने किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, जो हो सकता है इस दुनिया में वो करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर खेती को फायदे का धंधा बनाने के लिए। यहां के उद्योगपति मिले थे बुरहानपुर के, पिछली बार जब यहां था बुरहानपुर के छोटे छोटे लघु उद्यमी, उन लोगों ने कई रियायत मांगी, उनकी कल्पना नहीं होगी कि मैं ऐसे कर दूंगा। उन्होंने जो मांगा वो हमने दिया और आज बुरहानपुर में सारे चार्ट बुक हो गए उद्योगों के लिए। अभी कुछ मित्र यहां मिले भी मुझे, आगे भी मैं कह रहा हूं खेती के साथ साथ छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग और चाहे नेपा में चालू करने का मामला हो, उद्योगों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, रोजगार के साधन उत्पन्न करने की हम कोशिश करेंगे। अधोसंरचना का विकास, स्वच्छता, सुरक्षा, गरीब को उसका हक देने का काम, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से इस संसदीय क्षेत्र को नंदू भैया नहीं है लेकिन है भी हमारे दिलों में तो है ही और कहीं ना कहीं तो है ही नंदू भैया जैसा। ये मैं सोच रहा कि छोड़ के चले गए तो हम छोड़ देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके अधूरे कामों को पूरा करके हम दिखाएंगे और रोजगार की डोर से आपको बांध कर रखेंगे। विकास के अधिनियम के आज प्रारंभ होगा, अभी थोड़े संकट का समय है, 16-17 महीने में से 8 महीना बंद रहा पूरा, खजाने में पैसा नहीं आया, कड़की में है मामा, लेकिन मैंने कहा कर्जा भी लेना पड़ा तो लेंगे, बीच में पानी बहुत कम गिरा, 3-4 दिन से भगवान की कृपा है और भी सब लेके बदल जाए, जब पानी नहीं गिरता तो आपको पता नहीं क्या क्या होता है, नर्मदा जी नहीं भरती तो पानी की बिजली नहीं बनती, अब अभी इंदिरा सागर खाली, सरदार सरोवर खाली, इंदिरा सागर खाली तो उनका स्वच्छ नहीं बने, बर्गी खाली, बीच में कांग्रेसियों ने सोचा दाव लग गया, हम अब फंस गया, लेकिन हमने कहा खरीद के भी देना पड़े तो देंगे, चिंता की बात नहीं है। ये कोविड के कारण संकट है, अमरसा कमरसा के कारण भी संकट है, लेकिन उधार उधार लेके काम चलाएंगे यार, बाद में चुका देंगे, कुछ पीछे थोड़ी आ जाएंगे। इस संकट के दौर में भी बेहतर से बेहतर होगा उसकी कोशिश करेंगे, और
जितनी चीजें उस समय तय की थी नंदू भैया के साथ, केवल उतनी तो पूरी करेंगे ही आपके साथ मिलकर, मैं रोज अभी भी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के आप सबके साथ बैठक करके उद्योगों के अगले क्लस्टर की बात करता हूं, या बाकी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात करता हूं, हम कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। और एक बात और, मनोज जी कह रहे थे अध्यक्ष जी कि आपको हम नंदू भैया ही मानते हैं, नंदू भैया को देखते हैं, मानते कार्य कर रहे थे। शरीर दो आत्मा एक, पार्टी रूपी परिवार को बेहतर ढंग से आगे बढ़ने में मदद कर सकूं, सहयोग कर सकूं, साथ दे सकूं और मध्य प्रदेश की प्राणों से प्यारी जनता के काम ये जिंदगी जितनी बची है उतनी आ जाए और कोई साधन नहीं। एक आदर्श परिवार के रूप में हम करने की कोशिश करेंगे और मंच से भी मेरी प्रार्थना है और नीचे भी मेरी प्रार्थना है, एक परिवार किसी की नजर न लगे, मिलकर सब साथ पढ़े, मिलकर सब काम करें, आदर्श संगठन और आदर्श सरकार चलाने की हम कोशिश करें। मेरा बस चलेगा कार्यकर्ता बहन और भाई, वो हर दुख पीने की कोशिश करता, सुख बांटने का प्रयास करता, जनता आगे बढ़े, अपना बुरहानपुर शाहपुर आगे बढ़े, खंडवा आगे बढ़े, खरगोन बाग भी आगे बढ़े, मेरा मध्य प्रदेश आगे बढ़े, यही तो मकसद है जिंदगी का। तो पूरा करने में जितनी क्षमता है पूरी लगा दूंगा और बिल्कुल सही का मैं पालक हूं, मैं जवाबदारी से इनकार नहीं करूंगा ना पीछे भागूंगा, हूं भी और रहूंगा भी। कोशिश भी करूंगा क्योंकि ठाकरे जी की पीढ़ी चली गई, उसके बाद पटवा जी वाली पीढ़ी, विद्वान मिश्रा जी वाली पीढ़ी वो भी चली गई, नंदू भैया वाली पीढ़ी भी जा रही है चली गई, नंदू भैया तो चले गए, मैं जिम्मेदारी से कैसे बच सकता हूं, जब तक मैं हूं तब तक करूंगा। आज एक बार फिर नंदू भैया के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस शिकायत के साथ, नंदू भैया तुमने तो बचा दिया था जीवन भर साथ निभाने का, बेईमान निकल गए,
हमें छोड़कर तुम चल दिए, लेकिन हम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे सपनों को साकार करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं को प्यार देंगे, परिवार को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपकी यादों को सदैव सजीव रखेंगे। कभी कभी नंदू भैया आते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में, बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा दीदावर पैदा होता है। ऐसे नंदू भैया सदैव दिलों में बसे रहो और तुम्हें देख के हम काम करते रहे, प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाते रहे, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करके बेहतर जनता की सेवा करते रहे। तुम्हारे चरणों में सत सत नमन बारंबार प्रणाम। बोलिए भारत माता की, नंदू भैया अमर रहे, नंदू भैया अमर रहे, नंदू भैया अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र के पालक बने, जोरदार नारा, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। और मेरा आग्रह है श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान से, कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित समस्त अतिथि और एक एक कार्यकर्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान, हर्षवर्धन। पूज्य पिताजी के चरणों में वंदन करके अपनी बात प्रारंभ करूंगा। आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब उपस्थित हैं। वर्चुअली हमसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बात की, मंच पर उपस्थित माननीय श्रीमती सुमित्रा कार्तिकर जी, श्रीमती गायत्री राजाराम पटीदार जी, श्रीमती अर्चना चिटनिस जी, श्री मनोज लगवे जी, श्री रामदास शिवरे जी, सुश्री मंजू दादू जी, माननीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, श्री संजय यादव जी, श्री अनिल भोसले जी, नरेंद्र दादा जी, विजय दादा जी, लक्ष्मी नारायण दादा जी, गोविंद दादा, सुभाष दादा जी एवं सम्मानित मंच, समय कम है। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हृदय से इन सब लोगों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं और यहां पर हर व्यक्ति का आभार प्रकट करता हूं जो मेरे पूज्य पिताजी के जयंती पर उनको श्रद्धा सुमन भेंट करना है। हम इस मंच से आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने खंडवा का मेडिकल कॉलेज उनके नाम पर करा। हम इस मंच से आपका आभार प्रकट करते हैं कि बुरहानपुर का जिला अस्पताल आपने उनके नाम पर करा। हम इस मंच से आभार प्रकट करते हैं कि शाहपुर और बुरहानपुर में उनकी दो प्रतिमाएं आप लगवा रहे हैं साहब। और एक बात मैं इस मंच से आज आप लोगों से साझा करना चाहूंगा, जब पूज्य पिताजी गंभीर रूप से बीमार हुए, उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया, उस समय में हमें एक क्षण भी आपने ये नहीं लगने दिया कि परिवार अकेला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उन्होंने पिताजी की तबीयत जानी, पूरी बात सुनी, उसके पश्चात उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं डॉक्टर से कहता हूं, वो तुमसे बात करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
चिंता करके उनके फोन करके चिंता करके उनके स्वास्थ्य के बारे में जानते रहते थे। और माननीय सीएम साहब का मेरे पास रोज फोन आता था कि नंदू भैया की तबियत कैसी है बताओ। एक दिन डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और चैंबर रूम में बुलाकर डॉक्टर ने मुझसे ये कहा कि हर्षवर्धन जी अब बात हमारे हाथ से निकल गई, अब हम आपके पिताजी को शायद ही बचा पाए। और यदि कोशिश की भी तो इसी अवस्था में उनको रिकवर होते होते 6 महीने लग जाएंगे। तो वो जो ना बचा पाने की बात थी वो मेरे दिल में अंदर में उतर गई। मैं उदास होकर अस्पताल के कोने में जाकर बैठ गया। शाम का समय था, माननीय सीएम साहब का फोन आया, मुझसे पूछा कि आज का क्या अपडेट है। मैंने बताया कि साहब डॉक्टर कह रहे हैं कि बचा पाना मुश्किल है, यदि तबियत इससे ज्यादा ना बिगड़ी तो 6 महीने में शायद हम उनको सुधार लेंगे। साहब ने कहा था कि 6 महीने नहीं यदि साल भर भी लगे तो नंदु भैया मिले कोई सोचना बात नहीं है। आपके इस आशीर्वाद और प्रेम के लिए मैं चौहान परिवार की ओर से और यहां बैठे हुए मेरे सभी बंधु भाई माताएं बहनें इन सबकी ओर से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर बहुत 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 धन्यवाद। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि नंदू भैया के नाम, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की जयंती के कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल हुए थे और वर्चुअली वीडी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं उनके बेटे ने उनके बारे में संवाद बातें की, उनके बारे में बताया और उनकी बातें करते हुए, उनके पिता की बातें करते हुए उनके आंसू छलक पड़े इस पूरे कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अधिक अपडेट्स के लिए खबर भारत के साथ।